दोस्तों चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हरेक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आचार्य चाणक्य के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी वजह से स्वास्थ्य के संबंध में कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अच्छे खान पान के साथ ही रहन सहन और आदतों का हमारी सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। काफी बीमारियां केवल नहाने से ही दूर रहती हैं। आचार्य चाणक्य ने चार ऐसे काम बताए हैं जिन्हें करने के बाद अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से नहा लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं चार कार्यों के बारे में। नंबर एक, तेल मालिश के बाद स्नान जरूरी है। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्वस्थ शरीर और चमकदार त्वचा के लिए जरूरी है कि सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे शरीर पर तेल मालिश की जानी चाहिए। तेल मालिश के बाद शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और अंदर का मैल बाहर हो जाता है, इसलिए तेल मालिश के तुरंत बाद नहा लेना चाहिए। इससे शरीर का समस्त मैल और तेल साफ हो जाता है, त्वचा में चमक आती है। तेल मालिश के बाद बिना नहाए घर से बाहर जाना अशुभ होता है। नंबर दो, शव यात्रा से लौटकर स्नान जरूरी है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक की अंतिम यात्रा में जाता है या शमशान जाता है तो वहां से आने के तुरंत बाद भी नहाना चाहिए। शमशान के वातावरण में कई प्रकार के कीटाणु रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। शमशान जाने पर ये कीटाणु हमारे बालों में और कपड़ों पर चिपक जाते हैं। यदि इन्हें साफ ना किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए वहां से घर आकर तुरंत नहा लेना स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ रहता है। नंबर तीन, स्त्री प्रसंग के बाद स्नान जरूरी है। दोस्तों स्त्री हो या पुरुष, प्रेम प्रसंग यानी काम क्रिया के बाद भी नहाना जरूरी होता है। इस काम के बाद स्त्री और पुरुष दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। इसके बाद जब तक वो नहाएंगे नहीं तब तक किसी भी धार्मिक कार्य के योग्य नहीं हो सकते। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस काम के बाद भी बिना नहाए कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। नंबर चार, बाल कटवाने के बाद स्नान जरूरी है। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं हजामत यानी बाल कटवाने के बाद भी तुरंत नहा लेना चाहिए। बाल कटवाने पर पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं जो नहाने के बाद ही शरीर से साफ हो सकते हैं, इसलिए इस कार्य के बाद भी तुरंत ही नहा लेना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।